नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं MCQs BMLT DMLT लैब टेक्नीशियन के लिए। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए है तो बहुत सारे लोग हमारे द्वारा बनाए MCQs के द्वारा सफलता हासिल किए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में। अगर आपको चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी भी आप अमेजोन से ले सकते हैं, हार्ड कॉपी के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 251 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, H5N1 एज ए ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो आपने इन्फ्लुएंजा का नाम सुना होगा। ठीक है, तो उसके जो सब टाइप्स होते हैं, तो ये वायरल डिसीज जो है, ठीक है, तो ये है वायरल डिसीज। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटोजोन और उसके बाद फंगल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, तो ये नहीं है। समझ में आ रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, वायरल डिसीज। अगला सवाल पूछा है द नॉर्मल स्पर्म काउंट इज, तो स्पर्म काउंट हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हमारे मेन चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देखना इस वीडियो के बाद, हमारा मेन चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दिनेश के नाम से है, तो वहाँ पर हमने पूरा फुल लेक्चर इसके द्वारा इसका लिया गया है। तो स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट इसमें कितना होता है आपका, 80 से 160 मिलियंस पर ml। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ए वाला सही है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन हेमेटोलॉजी। बहुत बेसिक सवाल है और आप प्रैक्टिकली भी, आप लोगों को पता होगा कि हेमेटोलॉजी लैब में बेसिक जो एंटीकोगुलेंट कौन सा इस्तेमाल करते हो आप, EDTA। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म हर एक एंटीकोगुलेंट्स का अगर शॉर्ट में है तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं हर एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। अगला आपका सवाल पूछा जा रहा है मुलस मेथड इज़ यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो मुलस मेथड जो है आप कैप्सूल के इस्तेमाल करते हैं कैप्सूल के लिए। ठीक है, कैप्सूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप मुलस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, ये सवाल कुछ डिफरेंट है और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ये जो आपका सेल काउंटर है इन ऑटोमेटेड ब्लड सेल एनालाइजर, ब्लड सेल्स आर काउंट बाय, किसके द्वारा काउंट किया जाता है, इम्पिडेंस। तो ये एक प्रिंसिपल है जो कि आपका एनालाइजर होता है या सेल काउंटर आप बोलते हैं उसको। ठीक है, जब उसका आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिकली किस तरीके से वो किस प्रिंसिपल पे ऑटोमेशन के बेस पर काम करता है, क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो वो चीज़ें तो बेसिकली हमें नहीं पता होता, लेकिन बेसिक बेसिक जैसे आप कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल आपको पता होता है, उसी तरीके से आपको हेमेटोलॉजी एनालाइजर के बारे में बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कभी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, बाकी आप इतना समझ लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कितना कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए बस काफ़ी इतना, और उसके बाद हम और भी आगे वीडियोज़ लेकर के आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाएंगे। और चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना, लोगों को शेयर भी करना अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।